अप्रैल आज हम लोग ICSE बोर्ड बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे और ये ICSE का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है सेल। तो हम लोगों को सबसे पहले स्टडी करना है सेल पर कि सेल है क्या। वैसे हम लोग क्लास 9th में अबाउट सेल स्टडी कर चुके हैं कि सेल होती क्या है, जिस तरीके से किसी हाउस को बनाने के लिए ब्रिक की नीड होती है तो उस हाउस में ब्रिक जो होता है एक यूनिट का वर्क करता है, वॉल के लिए एक यूनिट का वर्क करता है। उसी तरीके से जो सेल होती है वो भी लिविंग बींग की एक यूनिट होती है। इसको हम लोगों ने स्टडी किया था क्लास 9th में कि यूनिट ऑफ द लिविंग बॉडी या लिविंग बींग इज कॉल्ड एज द सेल, की जो यूनिट होती है लिविंग बॉडी की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की उसी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं सेल। बट यहाँ पर क्लास 9th में 10th में हम लोग सेल की थोड़ा डीप स्टडी करेंगे, 9th से अपर स्टडी करेंगे, जो स्टडी डीप होगी और लेंदी होगी थोड़ा सा, और उसके बारे में मोर नॉलेज आप गेन करेंगे। तो हम लोगों को सेल के बारे में स्टडी करना है। सबसे पहले रॉबर्ट हुक नामक साइंटिस्ट ने, दैट नेम वॉज द रॉबर्ट हुक, दिस वॉज ए साइंटिस्ट। रॉबर्ट हुक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने पार्क की डेड सेल में सेल वॉल को सबसे पहले देखा था और उन्होंने ही सेल टर्म का यूज किया था पार्क के छोटे छोटे चैम्बर्स को देख करके। उस छोटे छोटे चैम्बर्स को, स्मॉलेस्ट माइक्रोस्कोपिक चैम्बर को रॉबर्ट हुक ने सेल कहा था। बट रॉबर्ट हुक ने ओरिजिनली को कार्क में देखा था, कार्क के सेक्शन में, और रियली था सेल वॉल थी, सेल या आउटर मोस्ट लेयर थी जिसको उन्होंने सेल कहा था सेल वॉल। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि जो फादर है सेल टर्म के, या जो सेल टर्म दिया वो किसने दिया, रॉबर्ट ने दिया। बट सेल के लिए हम लोग कहते हैं कि द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड द सेल, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्रियात्मक और संरचनात्मक यूनिट को, इकाई को ही हम लोग सेल कहते हैं। सेल में वो सारी एक्टिविटीज होती है जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती रहती हैं, सच एज रिस्पायरेशन, मूवमेंट, ट्रांसफर, रिस्पायरेशन, मूवमेंट, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, सो ऑन, इस तरीके की सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं जो एक लिविंग बीइंग के लिए नेसेसरी होती हैं सारी एक्टिविटीज। इसलिए सेल को हम लोग लिविंग बीइंग की एक यूनिट कहते हैं, यूनिट और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग बीइंग इज कॉल्ड एज द सेल। अब हम लोग स्टडी करेंगे सेल का, ये स्ट्रक्चर है और ये एक ऐसी सेल का स्ट्रक्चर है जो एनिमल सेल है, प्लांट सेल नहीं है। यहाँ आउटर मोस्ट लेयर जो होती है जो सेमी परमिएबल होती है या सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कुछ मटेरियल के लिए परमिएबल होती है और अदर मटेरियल के लिए इम्परमिएबल होती है, यानी अदर मटेरियल को अपने इन और आउट आने जाने नहीं देती। इसलिए इस मेम्ब्रेन को हम लोग कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन लिविंग होती है, नॉन लिविंग नहीं होती, लिविंग मेम्ब्रेन होती है एंड मेड अप ऑफ द लिपोप्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन। This membrane is made up of lipoprotein. Lipo means होता है lipid and protein. Lipid और protein की जो membrane बनी हो उसी membrane को हम लोग कहते हैं lipoprotein. इस membrane के अंदर pores भी होते हैं जो ions के लिए और कुछ soluble material के लिए transparent होते हैं, यानी इसीलिए ये semi permeable होती है। अनदर, इस सेल के अंदर ये सेल एक बाउंड्री भी फॉर्म करती है, एक लिमिट बनाती है सेल की, यानी दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स द स्ट्रक्चर और शेप ऑफ द सेल, सेल को एक स्ट्रक्चर और शेप भी प्रोवाइड करती है। अब इस सेल के लिमिट, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के
फिलोसाइड में यानी नीचे की तरफ एक मैटेरियल भरा होता है, जिसको जो मैटेरियल एक कोलाइडल नेचर का होता है लेकिन लिविंग मैटेरियल होता है, इस मैटेरियल को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म कहा जाता है। दिस मैटेरियल इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म इज द सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड विथ ऑर्गेनेलीज, ऑर्गेनेली, ऑर्गेनेली जो होती है एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है और एक स्पेशल फंक्शन करती है सेल के लिए। तो इसलिए साइटोप्लाज्म जो होता है सेमी लिक्विड और ऑर्गेनेली के मिक्सचर को ही हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। अगर इस साइटोप्लाज्म से मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज या ऑर्गेनेलीज को अलग कर दिया जाए तो उस कंडीशन में जो लिक्विड होता है सेमी लिक्विड, दैट सेमी लिक्विड इज कॉल्ड एज द साइटोसॉल। उस सेमी लिक्विड को उस वक्त हम लोग साइटोसॉल कहने लगते हैं। दिस इज ओनली सेमी लिक्विड, सेमी लिक्विड विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज, विदाउट सेल ऑर्गेनेलीज और ऑर्गेनेलीज, विदाउट ऑर्गेनेलीज, बिना ऑर्गेनेली का जो सेमी लिक्विड होता है दैट लिक्विड इज कॉल्ड एज द साइटोसॉल। ऑल दोज स्ट्रक्चर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर ए स्पेशल फंक्शन, यानी सेल साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाने वाले वे सारे स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर या विशेष स्ट्रक्चर जो एक विशेष फंक्शन करते हैं, एक स्पेशल फंक्शन करते हैं, उन्हीं स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनेली कहते हैं। ऑर्गेनेली इसलिए कहा जाता है सेल की जो ऑर्गेन होते हैं उनको हम लोग सेल ऑर्गेनेली कहते हैं, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स एंड राइबोसोम्स एंड गॉल्जी बॉडी। These are the cell organelles of the cell. ये cell की organelles हैं जो different different function करती हैं. Such as mitochondria works as a respiration, breaking of the pyruvic acid into the carbon dioxide and water. Mitochondria जो होती है वो pyruvic acid को break करती है, breaking down करती है, यानी तोड़ती है और तोड़ करके उसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करके एनर्जी ऑब्टेन करती है। तो इसका स्पेशल फंक्शन क्या है? ब्रेकिंग ऑफ द पार्विक एसिड इन रिस्पायरेशन, दैट इज कॉल्ड एज सेलुलर रिस्पायरेशन का वर्क करती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया कहलाती है। इसी तरीके से यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है सेल को एक स्ट्रेंथ, एक रिजिडिटी भी प्रोवाइड करता है, और इसके साथ साथ ये जो होता है साइट ऑफ दी प्रोटीन सिंथेसिस होता है, यानी ऐसी जगह होती है जहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि इसके आउटर लेयर पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं जो दैट इज कॉल्ड एज द फैक्ट्री ऑफ दी प्रोटीन सिंथेसिस, जो जिसको हम लोग प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि प्रोटीन सिंथेसिस जो होती है वो राइबोसोम पर ही होती है। इसलिए यह राइबोसोम्स जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और जिस पर ये राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं उस राइबोसोम्स को हम लोग स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इसके अलावा सेल के सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए सेल के अंदर एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है, डबल मेम्ब्रेन्ड स्ट्रक्चर के अंदर नेटवर्क एक होता है, डेंस नेटवर्क ऑफ द क्रोमेटिन पाया जाता है, और ये डेंस नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन कंटेन्स द क्रोमोसोम एंड डीएनए विच इज द हेरिडिटरी यूनिट ऑफ द लिविंग बींग, जो लिविंग बींग की जो होती है किसी लिविंग बींग की हेरिडिटरी यूनिट होती है, जो किसी हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पेरेंट से दूसरे पेरेंट में ले जाने का वर्क करती है।
इसी के अंदर न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है जिसका वर्क होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। इसके नंबर्स न्यूक्लियोलस के नंबर मोर देन वन हो सकते हैं, वन भी हो सकते हैं और मोर देन वन भी हो सकते हैं। इसी तरीके से अनदर स्ट्रक्चर पाया जाता है दैट इज द गॉल्जी बॉडी, ये भी ऑर्गेनेलीज है जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होती है। इसका भी एक अपना सेक्रेटरी फंक्शन होता है, तो ये सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। तो इस तरीके से ये आपका एक सेल स्ट्रक्चर हो गया। लाइसोसोम से भी यह एक ऑर्गेनेलीज है जो सेल के अंदर आए हुए फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने का वर्क करती है, इसीलिए इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं क्योंकि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और ऑल एंजाइमेटिक वर्क जो होते हैं, एंजाइम्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को इनिशिएट नहीं बल्कि एक्टिवेट करने के लिए या उसे प्रमोट करने के लिए, ऑल मोस्टली एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। अब हम लोग कुछ स्टडीज पर करेंगे कि सेल के कैरेक्टर्स क्या हैं और सेल का कैसे, हम सेल को कैसे डिफाइन और अनदर तरीके से तो किया गया, हम लोगों ने डिफाइन किया, लेकिन अब इस पे देखेंगे सेल के कुछ कैरेक्टर्स भी, वो देखते हैं है क्या, देखते हैं। कैरेक्टर में ऑल लिविंग बींग्स इज मेड अप ऑफ सेल्स, जितने भी लिविंग बींग्स है सभी सेल के बने होते हैं। न्यू सेल्स क्रिएट फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, न्यू सेल्स आर ऑल लिविंग बींग्स, न्यू सेल्स सेल क्रिएट्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कोई भी सेल होती है वो अपने पहले से मौजूद सेल से ही ओरिजिनेट होती है। थर्ड है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सेल उनकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। द कंपोनेंट ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इज अलाइक इन केमिकल कंपोजिशन, एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। दीज आर द फोर मेन पॉइंट ऑफ द सेल, कि जितनी भी लिविंग बींग्स है सभी सेल्स की बनी होती हैं और जो नई सेल्स क्रिएट होकर के आती है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल यानी पहले से मौजूद सेल से ही क्रिएट होती है। अनदर इज है कि सेल जो होती है किसी भी लिविंग बींग्स की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, और जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं
ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ सेल ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, अलग अलग ऑर्गेनिज्म की सेल के जो कंपोनेंट होते हैं इज अलाइक होते हैं इन केमिकल कंपोजिशन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज का मतलब होता है कैटाबॉलिक एनाबॉलिक एक्टिविटीज में सेम होती हैं और इनका केमिकल कंपोजिशन भी सेम होता है, वो चाहे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो चाहे अनदर चीजें हो या सेल ऑर्गेनेल्स हो, सबके फंक्शन सिमिलर ही होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म कितनी सेलों का मिलकर बना होता है, उस बेसिस पर उस ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं। अगर देखें ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म ऑफ टू टाइप्स ऑर्गेनिज्म ये टू टाइप्स के होंगे, दैट इज द यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर एंड द मल्टीसेलुलर। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं दिस ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, ओनली वन सेल। ये ऑर्गेनिज्म केवल एक सेल के बने होते हैं और इनमें वे सारी एक्टिविटीज होती हैं जो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती हैं, सच एज द अमीबा, पैरामीशियम, पैरामीशियम बैक्टीरिया एटीसी, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इनकी बॉडी केवल एक ही सेल की बनी होती है। मल्टीसेलुलर में ऑर्गेनिज्म दैट मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल। जो ऑर्गेनिज्म मोर देन वन सेल की बॉडी बनी होती है उनको हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, सच एज फॉर एग्जाम्पल के लिए एनिमल, बर्ड्स, स्पंज एटीसी, दीज आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये इस नंबर ऑफ सेल्स जो डिपेंड करती है कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर नंबर ऑफ सेल कितनी होगी और किस बेसिस पर होगी, तो ऑर्गेनिज्म जितना लेंदी होगा, जितना उसकी साइज ग्रेटर होगी, वो नंबर ऑफ सेल्स भी मोर होंगी। ग्रेटर द ऑर्गेनिज्म और लार्जर द ऑर्गेनिज्म greater the number of cell in the body of organism, yani organism ki length jo hogi jitna larger size ka hoga usme number of cell bhi utni zyada hongi, yani more and more hongi। तो ये नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड करती है कि ऑर्गेनिज्म की साइज क्या है, ऑर्गेनिज्म साइज के बेसिस पर भी होती है। जो लार्जेस्ट एनिमल सेल होती है दैट इज द एग सेल, द लार्जेस्ट एनिमल सेल इज द ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग को हम लोग लार्जेस्ट सेल ऑफ दी एनिमल सेल कहते हैं। एनिमल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ये एग सेल जो लार्जेस्ट सेल है इन एनिमल के केस में। एंड द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दी सेल, द लार्जेस्ट कंपोनेंट ऑफ दी सेल
ऑफ द सेल इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये सेल का लार्जेस्ट कंपोनेंट होता है, यानी इससे बड़ा कोई कंपोनेंट सेल का नहीं होता, ये सबसे लार्जेस्ट होता है। लार्जेस्ट सेल इन प्लांट, लार्जेस्ट सेल इन प्लांट इज द एस्क्लेरेंट काइमेटस सेल। एस्क्लेरेंट काइमेटस सेल आर एस्क्लेरेंट काइमेटस फाइबर प्लांट सेल में सबसे लंबी सेल जो होती है वो एस्क्लेरेंट काइमेटस सेल होती है। और ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर देखें कि जो सबसे लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन इज द दैट इज द नर्वस सेल। नर्वस सेल जो होती है ह्यूमन बीइंग में लार्जेस्ट सेल होती है। नर्वस सेल को हम लोग सबसे लार्जेस्ट सेल कहते हैं। लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली जो होती है इन केस ऑफ प्लांट, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन प्लांट दैट इज द प्लास्टिड। प्लास्टिड एंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली इन एनिमल इज द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये कुछ एक्सेप्शंस पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, जो आपके कोर्स से मैच भी करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे, तो इनको आप नोट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग सेल के पार्ट्स को और कंपोनेंट ऑफ द सेल। द कंपोनेंट ऑफ द सेल, कंपोनेंट ऑफ द सेल, थ्री कंपोनेंट होते हैं सेल के। वन कंपोनेंट इज कॉल्ड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है? दिस इज द सेमी परमिएबल और डिफरेंशियली परमिएबल लिपोप्रोटीन मेम्ब्रेन होती है, जो सेमी परमिएबल होती है, कुछ पार्ट को अंदर जाने देती है, कुछ मटेरियल को अंदर नहीं जाने देती, अंदर बाहर नहीं आने जाती है, जाने देती, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। और ये सेल को एक फिक्स शेप भी प्रोवाइड करती है और सेल को एक रिजिडिटी भी प्रोवाइड करती है। सेल के इंटरनल मटेरियल को बाहर जाने से रोकने का भी काम करती है, यानी सेल को एक फिक्स शेप प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके अलावा ये इसके थ्रू ही आयंस और कुछ मटेरियल्स सेल के अंदर और बाहर आ जा लेते हैं, तो सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ये वर्क होता है। और ये सेमी लिक्विड होती है, सॉलिड नहीं होती बल्कि सेमी लिक्विड होती है और लिपोप्रोटीन की बनी होती है। सेकंड होगा, इस केसेस में ये लिविंग बीइंग होती है, नॉन लिविंग बीइंग नहीं होती, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म को लेकर के हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये प्रोटोप्लाज्म क्या है? ऑल द लिविंग मटेरियल, ऑल द लिविंग मटेरियल
लिविंग मेटीरियल्स ऑफ द सेल इज कलेक्टिवली कॉल्ड द प्रोटोप्लास्ट इस केस में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी आएगी, सेल वॉल नहीं आएगी क्योंकि सेल वॉल नॉन लिविंग होती है, और आपकी सेल ऑर्गेनेल्स आएंगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आएगी, न्यूक्लियोप्लाज्म भी आएगा। दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ द प्रोटोप्लास्ट। नेक्स्ट होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा नेक्स्ट जो होगा वो होगी सेल ऑर्गेनेल्स। सेल ऑर्गेनेल्स आर साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन के नीचे प्रेजेंट मिक्सचर को सेल ऑर्गेनेल्स और लिक्विड के मिक्सचर को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। सेल के अंदर प्रेजेंट लिक्विड और सेल ऑर्गेनेल्स को साइटोप्लाज्म कहते हैं। बट न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के नीचे या न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाने वाले नीचे की तरफ पाए जाने वाले मिक्सचर को हम लोग साइटोप्लाज्म नहीं कहते। दस द ऑल मिक्सचर विच इज प्रेजेंट जस्ट बिलो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो सभी मिक्सचर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे हो और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाहर हो, दैट इज कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। थर्ड इज द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस इज द सेंटर ऑफ द सेल विच कंट्रोल द ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द सेल, जो किसी सेल की सभी एक्टिविटीज को मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करने का वर्क करता है, उसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। तो ये तीन पार्ट होते हैं, तीन कंपोनेंट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। अगर आपको इस पर कोई कमेंट करना हो या कोई क्वेश्चन आपके अराइज होते हैं तो कमेंट के थ्रू आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।